अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों है कि बैंक में हमारा सिर्फ 1 लाख ही रिटर्न होगा अगर कोई डिफॉल्ट दिवालिया घोषित होता है, एंड पोस्ट ऑफिस में आपका पूरा ही अमाउंट रिटर्न हो जाता है जितना भी आपका डिपॉजिट हो। 5 लाख अगर डिपॉजिट है तो 5 लाख रिटर्न होगा, 10 लाख डिपॉजिट है तो 10 लाख रिटर्न हो जाएगा। सो ऐसा क्यों है? सो वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट ऑफिस आपको क्यों देता है 100% रिटर्न, बट बैंक ओनली 1 लाख। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय फिल्म। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस एंड बैंकिंग की, कि आपका पैसा कहाँ पर ज़्यादा सेफ है, बैंक में डिपॉजिट करते हैं आप वहाँ सेफ है या पोस्ट ऑफिस में सेव करते हैं तो वहाँ 100% गारंटी के साथ सेफ है। सो पहले बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की। सो पोस्ट ऑफिस की अगर बात करें, सो जो भी डिपॉजिट करते हैं आप अमाउंट टोटल सेविंग के अंदर, सो उसकी गारंटी होती है 100% की गवर्नमेंट की। अगर मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में चोरी होती है, डकैती होती है या कुछ भी ऐसा लॉस होता है एंड पूरा आपका मनी ख़त्म हो जाता है, बट उसके बाद भी आपको 100% आपका अमाउंट मिलेगा क्योंकि उस पर गारंटी होती है गवर्नमेंट की आपको रिटर्न करने की। सो उसके अंदर टोटली आपका मनी सेव है। सो सेकेंड हम बात करते हैं बैंक की। सो बैंक में अगर जितना भी आपका अमाउंट डिपॉजिट है, मान लीजिए 5 लाख है, 10 लाख है, सो रिटर्न पॉलिसी ओनली 1 लाख की होती है अगर कुछ भी लॉस होता है बैंक में या कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग होती है। सो आपका अमाउंट रिटर्न होगा ओनली 1 लाख, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो ये दिया जाता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की तरफ से, DICGC की तरफ से, एंड ये लागू होता है सभी बैंकों में। इसके अंदर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको रिटर्न के साथ दिया जाता है, बट ओनली 1 लाख लिमिट, इससे ऊपर नहीं मिलता। सो ये दिया जाता है बैंक अगर डिफॉल्ट करता है, दिवालिया घोषित करता है अपने आप को, सो 1 लाख ही सेफ है आपका, रिटर्न होगा उससे ज़्यादा नहीं होगा। एंड अब क्वेश्चन आता है, मान लीजिए एक बैंक में आपने डिपॉजिट किया है बट अलग अलग ब्रांचेस में आपने डिपॉजिट कर रखे हैं। मान लीजिए एक में 5 लाख कर रखा है, एक में 10, एक में 20, एक में 30 लाख। अगर कुछ भी डिफॉल्ट घोषित होता है उस बैंक की तरफ से, सो हर ब्रांच में से आपको 1-1 लाख नहीं मिलने वाला है, आपका टोटल जितने भी अकाउंट है उन सबको ऐड करके आपको 1 लाख मिलेगा ओनली। एंड मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट बैंक में आपका डिपॉजिट है अलग अलग अमाउंट, सो पर बैंक आपको 1 लाख मिल जाएगा। सेम बैंक एंड डिफरेंट ब्रांच में होने से ओनली 1 लाख ही आपका रिटर्न होगा टोटल अमाउंट। सो अब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों है कि बैंक में हमारा सिर्फ 1 लाख ही रिटर्न होगा अगर कोई डिफॉल्ट दिवालिया घोषित होता है, एंड पोस्ट ऑफिस में आपका पूरा ही अमाउंट रिटर्न हो जाता है जितना भी आपका डिपॉजिट हो। 5 लाख अगर डिपॉजिट है तो 5 लाख रिटर्न होगा, 10 लाख डिपॉजिट है तो 10 लाख रिटर्न हो जाएगा। सो ऐसा क्यों है? सो वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट ऑफिस आपको क्यों देता है 100% रिटर्न बट बैंक ओनली 1 लाख। सो इसका मेन रीज़न है, पोस्ट ऑफिस में जो भी आप मनी डिपॉजिट करते हैं, सो वो गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने वर्क के अंदर यूज़ करती है। सो उसकी गारंटी भी वो लेती है कि अगर कोई भी लॉस होता है सो हम आपका पैसा टोटल अमाउंट रिटर्न करेंगे, बट बैंक के केस में ये नहीं होता। बैंक कस्टमर के पैसे को यूज़ करता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एंड लोन देने के लिए लोगों को, सो वो इसकी टोटल गारंटी नहीं लेता है। सो 1 लाख ही वो रिटर्न करता है। सो ये मेन डिफरेंस होता है, इसलिए पोस्ट ऑफिस पूरा पैसा रिटर्न करता है बट बैंक इसमें पूरी गारंटी नहीं देता है। सो यही मेन डिफरेंस था कि आप अपना सेफ अमाउंट कहाँ पर जमा कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं या बैंक में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, एंड जो फर्स्ट टाइम माई फिल्म देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, लाइक करें वीडियो का अगर पसंद आए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फिल्म। थैंक यू।